तो मैं जब भी किसी को बताता हूँ कि YouTube ही मेरी जॉब है, तो किसी भी इंडियन आंटी के जैसे सबसे पहला सवाल आता है, बेटा कितना कमा लेते हो? और काफी साल से ये जवाब देते देते मैं थक चुका हूँ, क्योंकि एक जवाब नहीं है। YouTube पे आप कितना कमा रहे हो उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। आप किस चीज पे वीडियो बना रहे हो, आपकी व्यूज कहाँ से आ रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, कितनी देर के लिए कोई देख रहा है, और भी बहुत सारी चीजें। और अगर किसी और की वीडियो देखने चले जाओ और पूछो कि वो कितना कमाता है, तो सीधा बोलता है ऑल्टो ले लूंगा, नैनो ले लूंगा। वेल, वो गलत नहीं है, YouTube नहीं अलाउ करता बताना कि आप कितना कमा सकते हो। कितना कमाते हैं इन सम सेंस, एज इन कि मैंने एक बार बोला था पहले जनवरी में कि एक ऑल्टो के बराबर, अभी वो स्विफ्ट हो गया, ऑल्टो से बढ़ गई। पर हम थोड़ा सा आइडिया तो दे सकते हैं, तो शांति रखो, पूरी वीडियो देखो, स्किप मत करना, क्योंकि अभी सब बताने वाला हूँ। भाई प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे ये वीडियो बहुत टाइम से बनाना था, दो रीजन के लिए। एक, आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हो, दूसरा आप लोग ज्यादा मेरे दोस्त पूछते हैं कि मैं पैसे कैसे कमा रहा हूँ। अब या तो एक तरफ लोग हैं जो सोचते हैं मैं इतने ज्यादा पैसे बना रहा हूँ कि मैं सब कुछ जो मैं चाहता हूँ एक महीने में खरीद लेता हूँ, टीवी हो, लाइट्स हो, कैमरा हो, कि मतलब रोज नया कैमरा, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ लोग ये नहीं समझते कि मैं ऑनलाइन पैसे कमा पा भी रहा हूँ, और उनको लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो मैं गया मेरी फेवरेट जगह जो है इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली थी जो कुछ कुछ ऐसी दिखती है। What is up guys? Good morning. मैं वीडियो बनाने वाला हूं आपके लिए। आज तो एक सवाल है आपके लिए। What do you think कि मेरे को मेरी वीडियो पे अगर 1 मिलियन व्यूज आते हैं तो मैं कितने पैसे कमाता हूँ, डॉलर्स में, रुपीस में, कुछ भी लिख दो यहाँ पे। तो मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि मैं 1 मिलियन व्यूज वाली वीडियो पे कितने पैसे कमा लेता हूँ, एंड आप सबने काफी सारे गैसेस करे हैं। कुछ गैसेस देख लेते हैं। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। लोग कहते हैं एड्स पे डिपेंड करते हैं, बट 30-40 हजार तो ले लेते होंगे। कुछ कोई कहता 60 से 100 डॉलर, कोई कहता 5,000 रुपए, कोई कहता $1,000 अप्रोक्स, कोई कहता 50,000 से तो ऊपर ही है, कोई कहता 1 लाख से 2 लाख, और लोग लिखते 50,000 से 1 लाख। एक ने तो $50 करोड़ लिखा हुआ है। ये तो उस दिन वहां पे उड़ा रहा था, मालूम है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, 5,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए से लेके $50 करोड़ तक लोगों को लगता है मैंने कमाए होंगे एक वीडियो पे जिसपे 1 मिलियन व्यूज है। बट आ गया टाइम चिट्ठा खोलने का, आ गया है टाइम यूट्यूब स्टूडियो खोलने का। तो मेरी वीडियो सबसे ज्यादा व्यूड है करंटली, वो है गेट रियल इंस्टाग्राम फॉलोअर्स द राइट वे, जिसपे अभी 1.5 मिलियन व्यूज हैं। मतलब नोट्स तो छाप लिए होंगे भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। ये वीडियो लगभग 2 साल पुरानी है, तो हो गया इसको काफी टाइम, तो अब देखते हैं इसने कितने पैसे कमाए हैं। तो ये रहा सच, इस वीडियो ने अपनी पूरी जिंदगी में कमाए हैं $464। जुलाई 2018 से अभी अपना जो भी अप्रैल 2020 चल रहा है, मैंने इस एक वीडियो से कमाए हैं 450 या फिर $464। कितना हुआ ये रुपीस में? 464 को मल्टीप्लाई कर देते हैं लगभग 74 से, तो ये है 34,336 रुपीस, मतलब 35,000 मान के चल लेते हैं। तो मैंने इस वीडियो पे पिछले 2 साल में कमाए हैं 35,000 रुपीस। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे ये तो बढ़िया है, और कुछ लोग होंगे जिनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये बढ़िया है या बढ़िया नहीं है। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। एंड द आंसर इज ये ठीक है, बढ़िया नहीं है। पहली बात, ये 34,000 रुपीस है 2 साल के ऊपर, मतलब 2 साल में इस वीडियो ने इतने कमाए हैं। दूसरी बात, अभी देखते हैं सारे व्यूज कहां से आए हैं। यहां अगर मैं अपनी ऑडियंस देखूं तो इसमें 87.9% इंडिया है, और इंडिया में वीडियोस के एड्स की वैल्यू सबसे कम होती है, ये फैक्ट है। यही वीडियो अगर इंग्लिश में होती या फिर ये सारे व्यूज US के होते, एक रफ एस्टिमेट आपको अगर मैं लेके चलूं, तो जहां मैंने यहाँ अभी $464 कमाए हैं, यही वीडियो आराम से $1,500 से $2,000 कमाती। और उसको भी अगर कन्वर्ट करें तो 1,500 × 75 इक्वल टू 1,12,500 से लेके 2,000 × 74 1,48,000। बेसिकली मैं 1 से 1.5 लाख कमा सकता था इस वीडियो पे, बट कमाए मैंने कितने? 35,000।
अब इस पॉइंट पे ये बोलना चाहूंगा कि अगर मुझे पता होता कि कुछ साल बाद ये मेरी सबसे ज्यादा देखी वाली वीडियो होने वाली है, तो मैं इससे काफी ज्यादा और कमा सकता था अगर मैं थोड़े स्टेप्स अलग लेता। तो अगर आप नोटिस करो तो मेरी वीडियो 8 मिनट लंबी है, या रफली 8.5 मिनट लंबी है, जो मेरी साइड से एक काफी बड़ी गलती थी। अब 8.5 मिनट किसी भी तरीके से एक छोटी वीडियो नहीं है, एंड मेरे हिसाब से मेरे को जो बोलना था मैं 8.5 मिनट में बोल चुका था बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। बट अगर यही वीडियो 10 मिनट या 10 मिनट से ज्यादा की होती तो YouTube allows you to put more ads। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर आपकी वीडियो 10 मिनट से लंबी है तो आप हर 30 सेकंड पे एक ऐड लगा सकते हो, जितनी चाहे उतनी लगा सकते हो, और ज्यादा एड मतलब ज्यादा पैसे। इनफैक्ट मान लो सिर्फ एक और एड अगर उसमें होती तो एक तरीके से अगर आप मानो तो मेरी अर्निंग्स डबल हो सकती थी। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है, 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। तो ये एक टिप आपके लिए भी है, अगर आप अपनी टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो और अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग रख सकते हो, जैसे कि ये वाली जो आई होप आप देख रहे हो। अगर आप देख रहे हो तो एक लाइक छोड़ाओ अभी ताकि मैं एक और ऐसी वीडियो जल्दी लाऊं। बट अगर आप अपनी ऑडियंस को इंटरेस्टेड रख सकते हो और उन तक सही ज्ञान लेके जा सकते हो एंड वो आपकी बात ध्यान से सुन रहे हो, आप 10 मिनट से ज़्यादा वीडियोस बना सकते हो, और उन 10 मिनट में आप एक या दो और ऐड बीच में डाल सकते हो। अब कुछ रीजंस की मेरी वीडियो ने कंपैरेटिवली कम कमाया इस एक, इसके व्यूज इंडियन थे, मतलब यूएस के होते आई वुड हैव गॉटन प्रोबेबली वे मोर। उस पे ऐड कर दो कि 10 मिनट की वीडियो नहीं थी तो इस पे सिर्फ एक या मुश्किल से दो ऐड शायद आई होंगी, विच मींस अगेन लेस अर्निंग। तीसरा, कोई गारंटी नहीं है बट कुछ टॉपिक्स अर्न मोर मनी। अगर आपकी वीडियो एड फ्रेंडली है और कोई ऐसे प्रोडक्ट को दिखा रही है जिसके एड्स ऑलरेडी हैं तो यू विल अर्न मोर। फॉर एग्जांपल अगर मैं शाओमी के फ़ोन्स पे बना रहा हूँ, शाओमी की फ़ोन्स ऑलरेडी एडवर्टाइज कर रहे हैं यूट्यूब पे, आई विल बी पेड मोर। अब इस पे और चीज़ें लगा दो जैसे वॉच टाइम, तो एक पूरा पैकेज डील बन के आई कुड हैव अर्न अ लॉट मोर ऑन दिस वीडियो। अब देखते हैं फ्यूचर में ये वीडियो कैसी परफॉर्म करती है एंड इसके बेसिस पे हम शायद बनाएं कि मैंने 2019 में कितना कमाया था एंड शायद इवेंचुअली ये वीडियो कितना कमा सकती है, वी विल फाइंड आउट। यहाँ छोटा सा पॉज लेके बस एक बात बताना चाहता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत लोगों को नहीं पता। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं नेम्स नहीं ले रहा, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हुए नो, तो मेरे को लगता था मेरी अर्निंग कम है। बट देर आर अ फ्यू क्रिएटर्स जो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, मुझसे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ लाते हैं, पर अगर उनका हम डायरेक्ट कंपैरिजन करें उनके जितने व्यूज़ आ रहे हैं उस हिसाब से पैसे नहीं बन रहे। फॉर एग्जांपल मैं महीने के बना रहा हूँ 10,000, वो बना रहे हैं महीने के 50,000। बट जब कंपेयर करते हैं कि पर मिलियन व्यूज़ कौन ज़्यादा पैसे बना रहा है तो समटाइम्स इट्स अ पर्सन लाइक मी, और रादर इट इज़ मी। तो ये भी एक फन फैक्ट है कि इवन इफ योर चैनल इज़ बिगर तो ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो प्योरली। शायद आपकी ज़्यादा व्यूज़ की वजह से आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कम व्यूज़ पे ज़्यादा पैसे बना पाओ। सो मुझे इस पे और रिसर्च करनी है एंड आई विल प्रोबेबली गेट बैक ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो वेरी सून। अब एक और छोटा सा फन फैक्ट जिनको नहीं पता, ज़्यादातर यूट्यूबर्स की ज़्यादातर कमाई उनकी हाइएस्ट अर्निंग वीडियो से या फिर सबसे ज़्यादा देखी हुई वीडियो से ही होती है। मेरे केस में भी यही है, तो मेरी मेजर अर्निंग इसी वीडियो से आती है। अब किसी भी तरीके से मैं नहीं चाहता कि आप बोलो ये पैसे कम हैं या ज़्यादा हैं या मैं कुछ भी बोल रहा हूँ या आप कंपेयर करो, क्योंकि ये मेरी अर्निंग है एंड आई जस्ट वांट टू बी ट्रांसपेरेंट विद यू कि आपको पता चल जाए कि यहाँ क्या सीन चल रहा है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना चाहता, बट अगर आप जानना चाहते हो कि यूट्यूब की अर्निंग सिस्टम कैसे काम करती है और कैसे आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं तो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, क्योंकि उस पर भी वीडियो कॉन्टेंट है मेरे पास। अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली जल्दी बना के आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। इस पॉइंट पे ये भी बोलना चाहूँगा जो लोग कह रहे हैं कि ये इकलौती कमाई नहीं होती है, डेफिनेटली इसके अलावा और भी वीडियोस हैं जिन्होंने पैसे कमाए और उसके अलावा स्पॉन्सरशिप्स होती है जिनके थ्रू हम कमा सकते हैं, बट वो सब एक अलग वीडियो के लिए एक अलग दिन पे। आज के लिए इतना ही, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सवाल है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड मैं उस पर वीडियो बनाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। And अभी next few days back to back content is ready for you. So stay tuned and आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। Bye.